हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, शॉर्ट टर्न हम पढ़ रहे थे अभी तक। तो शॉर्ट टर्न में तीन स्टेजेस होती है प्रोडक्शन की, उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन जो है ये फंक्शन है दो गुड्स का, लेबर और कैपिटल, जिसमें से हम एक इनपुट को जो है कांस्टेंट मानते हैं और एक इनपुट को हम वेरिएबल मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबल इनपुट है हमारा, जो हमारा परिवर्ती कारक है, अगर इसकी हम मोर एंड मोर यूनिट्स इम्प्लॉय करते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट रन में तीन स्टेजेस होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तो पहली जो स्टेज है वो है हमारी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर या कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा टीपी होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है, और जो हमारा एमपी होता है वो इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके मैक्सिमम हो जाता है। शुरुआत में जो हमारा कुल उत्पाद है वो बढ़ती दर से बढ़ता है और हमारा सीमांत उत्पाद बढ़ता है और इस अवस्था के अंत तक वो अधिकतम हो जाता है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, शुरुआत में ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो शुरुआत में बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो कॉजेस क्या है, पहला फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। हमने ये मान लिया कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो फिक्स्ड है। तो जब शुरुआत में हम मोर एंड मोर यूनिट्स जो है वेरिएबल फैक्टर की इम्प्लॉय करते हैं तो उसमें हमारा जो फिक्स फैक्टर है उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है, उसका पूर्ण प्रयोग होता है। कि अगर हम मान लें कि एक लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड है ये हमारा फिक्स फैक्टर है। अगर ये लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है तो जैसे जैसे हम इस पे लेबर एम्प्लॉय करते जाएंगे, ठीक है, हमारा जो लैंड है उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा। तो जैसे ही हम लेबर की नंबर्स को या यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारा लैंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है यूटिलाइज होने लगेगा और हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। कि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो समन्वय होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छा होता जाएगा, क्योंकि जितने लेबर्स की इसको जरूरत है इस लैंड पे काम करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो जैसे जैसे शुरुआत में हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लॉय करेंगे तो जो उनका कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छा होगा। फिर तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, श्रम विभाजन तथा कुशलता में वृद्धि। कि जब हम शुरुआत में फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लॉय करते हैं तो उसमें हम उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है, जो भी लेबर है हमारा उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको काम दे सकते हैं, और जब हम लेबर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको काम देते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, वो प्रोडक्टिविटी उत्पादन की क्षमता जो है वो इंक्रीज होती है। सपोज अगर किसी को लैंड की, फील्ड की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो हम उसको वो काम दे सकते हैं। किसी को अगर ट्रैक्टर चलाने की ज्यादा अच्छी नॉलेज है हम उसको वो काम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है उसका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है शुरू में कि हम जो लेबर है उसको डिवाइड कर सकते हैं उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने लैंड एग्जांपल लिया है, लेकिन कैपिटल में भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, पूंजी का हम मान के चलते हैं कि किसी ने अगर मशीनरी या प्लांट लगाया है तो वो हमारा फिक्स फैक्टर है, उस पर जैसे ही वो इम्प्लॉय करता है मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर तो वो उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकता है, उसका जो काम है वो उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता है। इसीलिए इन रीजंस की वजह से शुरुआत में
जो हमारा टीपी होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। इट मींस कि जो हमारा एमपी है यानी कि सीमांत उत्पाद जो है वो हमारा शुरुआत में बढ़ता है और मैक्सिमम हो जाता है रन में। ठीक है, तो शॉर्ट रन में सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है और घटती दर से बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर या कारक के घटते या ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। तो इसमें एमपी जो होता है वो हमारा गिरने लगता है यानी कि फॉलिंग होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है और इस स्टेज के एंड तक बाय द एंड ऑफ द स्टेज एमपी बिकम्स जीरो। कि इस स्टेज के अंत तक क्या होता है कि एमपी जो है हमारा सीमांत उत्पाद वो शून्य हो जाता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके रीजंस क्या होते हैं इस स्टेज के कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। शॉर्ट रन में हम ये मान के चलते हैं कि जो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं उसमें से हम एक फैक्टर फिक्स मान के चलते हैं। तो इस स्टेज तक आते हुए सेकेंड स्टेज तक आते आते हमें मान लेते हैं कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि जितना भी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते थे वो कर चुके हैं। ठीक है, तो इस स्टेज तक हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर चुके होते हैं अपने फैक्टर्स का। तो हमारे जो टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है वो इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है प्रोडक्शन, हमारा फंक्शन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जिसमें से हमने मान लिया कि हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स है और एक हमने वेरिएबल माना है। तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स नहीं हो सकते। ठीक है, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता है यानी कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है। तो एक जो कारक है वो दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड है और हम लेबर को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा लेबर जो है वो कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है कैपिटल का वो कर चुके होते हैं, तो लेबर को इंक्रीज करने के बावजूद भी हम अपने टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक रीजन है कि हमारा सेकेंड स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन हमारा फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छा होता है बिटवीन बोथ द फैक्टर्स वो कम होता जाता है। उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कम होता जाता है क्योंकि अब हम बर्डन डाल रहे हैं हमारे फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर का। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, उस लिमिटेड अमाउंट के ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते जाते हैं। तो जो दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, वो खराब हो जाता है। तो एक ये रीजन है कि हमारा एमपी जो है वो गिरने लगता है लेकिन सेकेंड स्टेज तक फिर भी वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो ये रीजंस हैं हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की, उत्पादन की तीसरी जो अवस्था है वो कहलाती है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कारक के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा टीपी होता है वो डिक्रीज होने लगता है और एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। डायग्राम में अगर हम देखें तो टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ मैक्सिमम हुआ और लास्ट स्टेज में वो गिरने लगता है। ठीक है, और एमपी क्या हो जाता है हमारा, एमपी हमारा शुरुआत में इस स्टेज में गिरने लगता है और ऋणात्मक हो जाता है। तो शुरुआत में जब तक हमारी फर्स्ट स्टेज थी प्रोडक्शन की, एमपी हमारा बढ़ रहा था। ठीक है, फिर जब डिक्रीजिंग स्टेज थी सेकेंड स्टेज, उसमें हमारा एमपी गिरने लगता है और
जीरो हो जाता है और लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या होते हैं? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल है और एक फैक्टर जो है वो हमारा फिक्स है। तो जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो हमारा लिमिटेड हो गया है। तो वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बावजूद भी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल फैक्टर, सॉरी, जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। फिर पूर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की इम्प्लॉय करते जाते हैं विद द फिक्स फैक्टर, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो खराब होता जाएगा, जो इनके बीच का समन्वय होगा वो बिगड़ता जाएगा। ठीक है, लास्टली जो रीजन है वो इसका है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं तो थर्ड स्टेज तक आते आते एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारा फिक्स फैक्टर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब अगर हम उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर को और ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, परिवर्ती कारक की जो दक्षता है उसमें कमी आ जाती है। इसका एक एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हमारा फिक्स फैक्टर है, ठीक है, और उस पर हमने लेबर एम्प्लॉय किया, ठीक है। अब इस लैंड पर अगर हमें 3 लेबर की आवश्यकता थी और हमने जो है अब हम आगे और लेबर्स को एम्प्लॉय किए जाते हैं, तो जो आगे हम इसके बाद लेबर को एम्प्लॉय करेंगे वो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो अगर वो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट में यानी कि सीमांत उत्पाद में कोई भी इंक्रीमेंट लेके नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो एक तरह से वो फैक्टर जो है हमारे लिए वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक एग्जाम्पल कहलाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते जाएंगे तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो थर्ड स्टेज तक आते आते रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फिक्स फैक्टर ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टर्म में जाने की जरूरत है और फिक्स फैक्टर को भी वेरिएबल होने की जरूरत है। तो ये थी हमारी 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग टर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग टर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव टर्न्स टू अ फैक्टर।